गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के सेवेंथ की क्लास में पेज नंबर 22 पे जो ड्राइंग है नेचुरल सीन जो हम करने जा रहे हैं, यहाँ पे देखो एक सीनरी दिया हुआ है। तो ऐसे एक सीनरी बना के हम फिंगर से इसमें पेंटिंग करना है, फिंगर लेके आपको पेंटिंग करना है। ऐसी बहुत सारी टेक्निक है, स्ट्रिपलिंग से कर सकते हो आप पेंटिंग, फिर अलग अलग जो लाइन बना के आप उसमें पेंटिंग कर सकते हो। तो अलग अलग टाइप की बहुत सारी टेक्निक से आप पेंटिंग कर सकते हो, पर आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ फिंगर पेंटिंग, ये फिंगर पेंटिंग से हम पेंटिंग कैसे करेंगे और ड्राइंग। तो सबसे पहले तो अगर आप सीनरी बना रहे हो तो समझो कि पेपर है, ओके, सीजी पर। तो पेपर के सेंटर में एक लाइन बना, ओके, लाइट लाइट लाइन बना दी। ये लाइट किस लिए कि यहाँ पे जो नीचे का भाग है वो लाइट जमीन का भाग रहेगा और ऊपर का जो पार्ट है वो स्काई के लिए है, ओके। तो यहाँ पे जो ड्राइंग है वो मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको कुछ अलग ड्राइंग बता के, अलग टाइप की ड्राइंग सीनरी बना के आपको मैं इसमें कैसे पेंटिंग करना है वो मैं बताऊंगा। तो ये जो लाइन है यहाँ पे हम हाउस बनाएंगे, ड्राइंग एचबी पेंसिल से बनाइए आप, लाइट लाइट ड्राइंग बनाइए। हाउस के पीछे जो ट्री है वो इस टाइप का कुछ मैंने दिखाया है यहाँ से। पीछे पीछे दो जो ट्री, ओके। इसके बाद यहाँ पे खिड़की बना के यहाँ से ग्रास वगैरह बनाए, एचबी पेंसिल से लाइट लाइन बनाइए। इसके बाद मेन जो है वो ड्राइंग में बैलेंस होनी चाहिए, बैलेंस। तो बैलेंस के लिए अभी मैंने इस साइड दो हाउस बना लिए, ओके। हाउस बनाने के बाद यहाँ पे ग्रास भी दिखाया, क्या करना है इस साइड हाउस बन गए तो यहाँ बैलेंस बनाने के लिए हम यहाँ भी ट्री बनाएंगे, ओके। तो इस तरह से इस साइड ट्री बनाने से क्या होगा, ड्राइंग में थोड़ा बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पे पत्ते बना लीजिए जाड़ के, आप इस तरह से, ओके। अभी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला यहाँ पे हम पानी बना देंगे, रिवर या लेक या इस तरह से हम यहाँ पे दूर 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 आप कोई बोट वगैरह जैसे ठीक बता सकते हो। ड्राइंग जो है वो एचबी पेंसिल से लाइट लाइट बना के ध्यान रखें, अभी देखो। तो ये जो जगह है थोड़ी खाली खाली लग रही है, तो हम यहाँ से कुछ क्लाउड बना सकते हैं और यहाँ पे सन बना सकते हैं,
ड्राइंग बन गई हमारी, ओके। ड्राइंग करने के बाद आपको क्या करना है, ये खाली खाली लग रहा है तो यहाँ पे आप लोटस वगैरह बना सकते हो। यहाँ पे सैन या डक बता सकते हो। ओके, तो ड्राइंग हो गई। इसके बाद क्या करना है कि जैसे अभी ये रूफ हाउस का जो रूफ है छत का वाला, वहां पे आप रेड कलर निकालना है। कलर जब आप फिंगर पेंटिंग करो तो कलर ठीक होना चाहिए। कलर में फिंगर को डिप करो और आपको क्या करना है फिर वो कलर लेके स्ट्रिपलिंग करना है। ओके, नीचे डार्क से लाइट आना है तो प्योर रेड कलर करेंगे। जैसे 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 नीचे आएंगे हम रेड कलर के साथ व्हाइट कलर में भी फिंगर टच करके हम स्ट्रिपलिंग करते जाएंगे। बार बार बिल्कुल बारी 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 में ऐसे फिंगर में कलर लेके, तो यहाँ पे जो इफेक्ट है वो ऐसा इफेक्ट आएगा। क्लाउड के अंदर लाइट भी कलर लेना है, डार्क भी कलर लेना है, वो भी फिंगर में ही। जैसे बड़ी जगह है तो थंब ले लो, पतली जगह पे आपको कलर करना है तो ये लास्ट वाले फिंगर लेके आप कलर में डिप करके असिस्ट क्लीन कर सकते हो। अगर आपको इसमें मजा नहीं आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपको ग्रीनरी है तो लाइट ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर, लेमन येलो कलर और व्हाइट कलर आप ले सकते हो पेंटिंग करने के लिए। तो कैसे, कलर पैलेट में निकालो कलर, फिंगर डिप करो और फिंगर से जैसे आप पेंट ब्रश से करते हो तो पेंट ब्रश की जगह पे आपको यूज करनी है आपकी फिंगर। फिंगर की बड़ी जगह है तो थंब ले लो, थंब से अच्छे से होगा। और एक ही डायरेक्शन में ऐसे ऐसे ग्लास का इफेक्ट देना है तो नीचे डार्क ग्रीन करा फिर जैसे ऊपर थोड़ा लाइट ग्रीन और ऊपर थोड़ा लेमन येलो लेंगे तो उस शेडिंग जैसे यहाँ पे दिखाया जाए ऐसा शेडिंग आप कर सकते हो। पानी के अंदर भी ये सारी जगह जो है वो डार्क ब्लू ले लो और यहाँ पे पास पास के आएंगे तो लाइट ब्लू लो और लाइट ब्लू में भी अगर आप व्हाइट कलर ऐड करके थम से जो आप उसका इफेक्ट होंगे तो बड़ा क्रिएटिव और अट्रैक्टिव लगेगा। इसके बाद ब्राउन कलर एक साइड से, डार्क ब्राउन से पूरा कर लिया ये ट्रंक के अंदर, फिर दूसरी साइड जो है वो लाइट ब्राउन कलर से थम को डिप करके आप पेस्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ पर भी ऐसे लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर, कहीं पे लेमन येलो कलर, ये सारा कलर लेके आप थम से फिंगर से कलर में डिप करके आप ऐसे स्ट्रिपलिंग करना है। ओके, इसके बाद कहीं कहीं पे आपको कांच दिखानी पतली तो कहीं कहीं पे आप पेंट ब्रश का यूज कर सकते हो। जैसे कि सन की रेज बता दी, पानी का इफेक्ट करना है तो यहाँ पे स्ट्रोक देने आपको तो वहां पे 0 या 00 नंबर का प्लस लेके आप वो इफेक्ट दे सकते हो। इसकी पीक बनानी है, आंखें बनानी है, लोटस में कुछ डिटेलिंग करना है तो वहां पे आप पेंट ब्रश यूज कर सकते हो। बाकी मोस्टली आपको क्या करना है, फिंगर पेंटिंग के अंदर फिंगर का यूज करके आपको पेंटिंग करना है। थाली में कलर निकालो, अगर बड़ी जगह चाहिए मिक्सिंग करने के लिए तो मेरे ख्याल से थाली बेटर रहेगा, बड़ी प्लेट सा हो तो उसमें कलर आप अच्छे से मिक्स करके अलग अलग कलर बना के आप ऐसे स्ट्रिपलिंग कर सकते हो। तो पेज नंबर 22 पे ड्राइंग कैसे करना है, स्ट्रिपलिंग कैसे करना है मैंने समझाया। जरूरी नहीं कि सेम ड्राइंग करो, आप अपने हिसाब से ड्राइंग चेंज कर लो। ड्राइंग चेंज करके आप इसमें अपने हिसाब से पेंटिंग कर सकते हो। जो बच्चे थंब से फिंगर पेंटिंग नहीं कर सकते वो भले सिंपल पेंट ब्रश से पेंट कर लो। ठीक है, समझ में आया। तो आप एक सीनरी नेचुरल सीन जो है वो आर्ट बुक के अंदर करेंगे और एक प्लेन बुक के अंदर, और दोनों में पोस्टर कलर करेंगे। अगर आपको थंब पेंटिंग कर फिंगर पेंटिंग करना है तो इसमें आपको वाटर कलर बहुत पतले आते हैं, वो ट्रांसपेरेंट है तो उसका इफेक्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। आपको फिंगर पेंटिंग करना है तो पोस्टर कलर या एक्रेलिक कलर से करना है। ओके, मेरे ख्याल से पोस्टर कलर बहुत बेटर है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।